नमस्ते दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में उन लोगों को या जो आप लोग जानना चाहते हैं उन लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप यदि कोई चैनल क्रिएट किए हैं या कोई नया यूट्यूबर क्रिएट करते हैं तो सोचते हैं कि हम अपने चैनल को क्रिएट कर रहे हैं पर वीडियो अपलोड करें तो किस कैटेगरी से अपलोड करें या अपना चैनल को किस कैटेगरी से रखें। तो दोस्तों, इसी को मैं इस वीडियो में बताया हूँ कि आप अपने वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें कौन से कैटेगरी में रख सकते हैं। बड़े यूट्यूबर की वीडियो को देखकर या उसी यूट्यूबर के वीडियो को देखिए और उसी वीडियो से ही आप जान सकते हैं कि वो कौन से कैटेगरी में रखकर वीडियो अपलोड किया है। तो आप भी उन्हीं क्रिएटर के वीडियो को देखकर या उनके कैटेगरी को जानकर आप अपने भी वीडियो में उसी कैटेगरी के ऑप्शन को लगा सकते हैं, जिससे भी आपका हो सकता है आपका भी जो वीडियो है वो अच्छे से चल जाए। तो दोस्तों, आप लोग यही बातें जानना चाहते हैं कि आप अपने वीडियो के जो कैटेगरी को कैसे रखें या कौन से कैटेगरी में आएगा आपका वीडियो। तो दोस्तों, इसी बात को मैं इस वीडियो में बताया, तो हमारे इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसे कैसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे पता करने के लिए आपको मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में ले जाकर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा, तो उसे आपको फॉलो करना है और उसे फॉलो कर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप पता कैसे कर सकते हैं कि कौन से चैनल ने अपने चैनल में वीडियो को कौन से कैटेगरी में रखकर अपलोड किया है? तो इसे पता करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली आपको चले जाना है अपने यूट्यूब में। मैं भी अपने यूट्यूब में आ जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं उस चैनल को ले लूँगा जिसका मुझे कैटेगरी मालूम करना है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैं ले लूँगा यहाँ पर मनोज देखा, तो यहाँ पर मैं इस वाले वीडियो को जो यहाँ पर ये वाला वीडियो आ रहा है तो इसके जो कोने पे देखिए लिखा है थ्री डॉट, लिखा नहीं है सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है थ्री डॉट, तो आपको इसी को क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको शेयर को टच कर लेना है। शेयर को टच करने के बाद दोस्तों आपको कॉपी लिंक करके आ रहा है, इसे आपको क्लिक कर लेना है। इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली चले आना है बैक। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट कर देना है। इसे टच करके रखेंगे तो यहाँ पर पेस्ट वाले ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ टच करके रखूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया, तो इसे मैं पेस्ट कर दूँगा। फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर https ऐसे करके लिखा आ रहा है, तो आपको उसके जस्ट आगे जाना है, सबसे आगे जाना है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है व्यू, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ व्यू। फिर आपको एरो लगाना है यहाँ पर बीच में ऐसे। फिर आपको लिख देना है सोर्स, तो मैं लिख लेता हूँ सोर्स। आपको इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दो बिंदु वाला यहाँ पर ऑप्शन आता है, इसको आपको लगा देना है। फिर आपको जस्ट नीचे देखिए यहाँ पर एक लिंक आ गया, तो आपको इसी को टच करना है। तो यहाँ पर मैं टच कर लेता हूँ, अब थोड़ा सा वेट करूँगा दोस्तों, यहाँ पर ये खुल जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं यह कुछ इस प्रकार से खुल गया है। तो अब आपको क्या करना है, आप देखिए कोने पर यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इसी को क्लिक करना है। इसे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा आ जाएगा फाइंड इन पेज, तो आपको इसी को क्लिक करना है फाइंड इन पेज को। फिर आपको यहाँ पर लिख देना है कैटेगरी, तो मैं लिख देता हूँ कैटेगरी। तो यहाँ पर मैंने जस्ट लिखा कैटेगरी, तो दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक से ये सर्च लेना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैटेगरी मेरा मिल गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सी यहाँ पर है और ये कैटेगरी इधर पूरा अल्फ़ाबेट लिखा है। अब उसके बाद देखिए जस्ट आगे लिखा है साइंस और नीचे देखिए टेक्नोलॉजी, तो यही है इसका कैटेगरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अपनी वीडियो को ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले कैटेगरी से ये अपलोड करता है। तो दोस्तों, आप ऐसे ही किसी के वीडियो का भी आप इस तरह से जान सकते हैं कि वो कौन से कैटेगरी से अपलोड करता है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों इसे जानना, तो मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ। आप किस तरह से जानना चाहते हैं वो मैंने इस वीडियो में पूरे बता दिया। तो आई होप दोस्तों, मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला या मैंने जो आप लोगों को बताया है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, या मैंने जो भी आपको थोड़ा सही जो भी हेल्प किया है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और हाँ दोस्तों, कुछ डाउट है या हमें कुछ बताना चाहते हैं या हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो दोस्तों हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।